दो सन्यासी लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव केशा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदगुरु पूजनीय हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं। सिर्फ मौखिक दावों पर जांच शुरू नहीं की जा सकती। दरअसल ये पूरा मामला दो सन्यासी लड़कियों से जुड़ा है। कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईशा फाउंडेशन में अवैध रूप से बंधक बनाया गया। प्रोफेसर कामराज ने कोर्ट को बताया कि उनकी दोनों बेटियों ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, दोनों ही ईशा फाउंडेशन से जुड़ गई थी। डॉक्टर कामराज का आरोप है कि अब उनकी बेटियों को उनसे बात भी नहीं करने दी जाती। रिटायर्ड प्रोफेसर ने दावा किया कि ईशा फाउंडेशन लोगों को गुमराह कर रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें भिक्षु बना रहा है और उनके माता पिता और रिश्तेदारों को उनसे मिलने भी नहीं देता। इन आरोपों के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को ईशा फाउंडेशन की तलाशी लेकर जानकारी जुटाने का आदेश दिया। लगभग 500 पुलिस अधिकारियों ने फाउंडेशन के आश्रम पर छापेमारी करते हुए हर कोने की जांच की। वहीं कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज के आरोपों के बाद ईशा फाउंडेशन ने अपनी सफाई पेश की और कहा, ईशा फाउंडेशन इस बात से इनकार करता है कि वो ब्रह्मचारी बनने की वकालत करता है या लोगों से शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत पसंद है। ईशा फाउंडेशन की स्थापना सद्गुरु ने लोगों को योग और आध्यात्मिकता के मार्ग पर लाने के लिए की थी। हमारा मानना है कि व्यस्क मनुष्यों के पास अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता और समझ है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव केशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर पुलिस को भी निर्देश दिया था कि वो उनके खिलाफ सभी मामलों की जानकारी इकट्ठा करे और आगे विचार के लिए उन्हें अदालत में पेश करें। जिसके बाद ईशा फाउंडेशन ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। इस केस की सुनवाई में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हुए। सीजीआई ने खुद डॉक्टर एस कामराज की बेटियों से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों सन्यासी लड़कियों ने सीजीआई को बताया कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और अपनी मर्जी से आश्रम से बाहर आ जा सकती हैं। सन्यासी लड़कियों ने कहा कि हमने हाईकोर्ट को भी बताया था कि वे अपनी मर्जी से ही ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। दोनों सन्यासी लड़कियों से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वो ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण कोर्ट को दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस को दिए गए हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे हैं और ये एक बहुत जरूरी और गंभीर मामला है। सद्गुरु हैं जो बहुत पूजनीय हैं, उनकी लाखों अनुयायी हैं। उच्च न्यायालय मौखिक दावों पर ऐसी जांच शुरू नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ये केस सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। दोस्तों 30 नवंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के याचिका पर संज्ञान लेते हुए ईशा फाउंडेशन में बहुत बड़ा छापा मारने का आदेश दिया था। 30 नवंबर को ईशा फाउंडेशन में लगभग 150 पुलिसकर्मियों के साथ रेड डाली गई थी और वहां से दो लड़कियों को, दो साध्वियों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट उन्हें ले जाया गया था और वहां पे उनके बयान दर्ज किए गए थे। और 4 अक्टूबर को ईशा फाउंडेशन की गहनता से जांच करके एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था, मगर इसी बीच सद्गुरु के वकील ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने अगले आदेश तक मद्रास हाईकोर्ट के किसी भी आदेश पर रोक लगा दिया था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से सद्गुरु जी के ईशा फाउंडेशन को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह पूरा मामला आपके संज्ञान में आ चुका होगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।